सब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मोर कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। बस मैं यही सोच रहा हूँ ना कि एक बार ये मेरे हाथ लग जाए और बस कढ़ाई गरम करके उसमें सरसों का तेल डाल के, थोड़ा सा तेल गरम करके और बस इसके सारे जो पंख हैं वो निकाल के, नमक मिर्च लगा के और तल के, और ऐसे खींचने में जो मज़ा आएगा ना, वाह क्या लग रहा है ना है? मैं ये भी इसको देख करके मेरे मन में यही ख्याल आ रहे हैं। ये देखो सुंदर सा लग रहा है, जब ये मेरी थाली में आएगा, जब मेरी प्लेट में आएगा, मैं क्या मज़े से खाऊंगा इसको, मज़ा आ जाएगा खा के, क्यों बिल्कुल है ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी कुकू। दोस्तों अभी मैं आया हूँ नैनीताल, नैनीताल के जू में एंट्री हमने ले ली है और टिकट ले लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे थे नैनीताल के जू में एंट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से एंट्री टिकट है और पर पर्सन जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो मैंने पहले शूट कर लिया था जो नीचे है, और यहाँ पे सनलाइट थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाला व्यू दिखाओ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये देखो नैनीताल, इनने कितना अच्छा बना रखा है, नैनीताल जू करके लिख रखा है, और बाकी ऊपर भी एक ऊपर वाला वो वाला दिखाओ, जू करके जो बड़ा सा लिख रखा है ना वो वाला, वो चीज़ें अच्छी लग रही है। तो हमने इस वीडियो में आज कवर करेंगे नैनीताल का पूरा व्यूज़, नैनीताल जू और पूरा नैनीताल। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और मिलते हैं फिर वीडियो के एंड में। अभी चलते हैं हम लोग जू में, चलो आज। जूम कर लो, जूम करके दिखाओ ना। सोया हुआ है यार, इसको देखने के लिए हमने 100 रुपये खर्च करे हैं। बाकी देखते हैं, बंगाल टाइगर अभी हमने आपको दिखाया वो सोया हुआ था, और बाकी बियर वर है इधर, भालू और तेंदुआ है, तो उसको देख लेते हैं। लोकेशन तो बहुत बढ़िया आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है शूट करने में, लेकिन हमें थोड़ी दिक्कत इस बात की लग रही है कि साला सोया हुआ था वो। अभी देखते हैं भालू वालू जो है उधर ऊपर, वो आपको दिखाते हैं, आ जाओ भालू। ये देखो इधर लाओ, ये है भालू, जाग जा। ये देखो उठ जा साले हरामखोर, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है तभी सोया हुआ है बेटा, खाना नहीं मिलता ना। ये देखो जी यहाँ पे भालू दिख रहा है, अंधेरा आ रहा है, नहीं दिख रहा है ना, पूरा जूम करो तब दिखेगा, पूरा जूम करो। आ रहा है, नहीं आया साला आराम को, बहुत बड़ा है यार ये, मैंने इसको देख रखा है ना, एक बार जब मैं भैया के साथ आया था तब देखा था इसको। एक तेंदुआ है इधर, वो वाला देख लेते हैं, तेंदुआ बहुत ही बड़ा है वो, तो वो इतना एक्टिव था ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। तेंदुआ ना उस दिन जिस दिन हमने देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वो है बाघ, ये बाघ नहीं है भालू है यहाँ पे भी, लेकिन ये साला पता नहीं कहाँ है। हाँ ये देखो यहाँ पे कैमरा, ये देखो दो भालू, इनको थोड़ा सा ना जूम करके दिखाओ, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। अरे आराम खोर दिन में सब सोए हैं, हमने शाम को आना चाहिए था, क्या पता तेंदुआ उठा होगा। चलो तो जिसके लिए हम आए हैं शूट करने के लिए वही नहीं हो रहा इधर से। तो फाइनली हमने ये आज चिड़ियाघर में आए थे, जहाँ पे हमने सोचा था कि जो टाइगर वगैरह है और तेंदुआ है उनको हम आप लोगों को दिखाते, लेकिन अभी क्या है ना, दिन के अभी दोपहर के लगभग 12 बज रहा है, तो सभी सोए हुए हैं, किस्मत हमारी ख़राब है थोड़ी सी, जो ये हमें देखने के लिए नहीं मिले। और
वैसे अगर आपको बाग देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं पिछली बार आया था तो मैंने वो वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा कर के देख लेना पिछली बार की जो वीडियो है। इस बार हमें नहीं मिले, बाकी ये छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये यही वाले दिख रहे हैं बस, और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। और जो पिकॉक वगैरह है, जो पक्षी उक्षी है, खरगोश है, उसमें ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं होता है। जो बाघ है, तेंदुआ है, इस टाइप की जो चीज़ें मिल जाती है हमें देखने के लिए, जो मतलब ना मतलब रेयर चीज़ें हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अभी वो मिल नहीं रहे, सब सोए हुए हैं। ये काकर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये छोटा सा जो है, ये पता नहीं काकर लिख रखा था वहाँ पे, वैसे नाम से मतलब पता नहीं क्या है। ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में, और बोलने में थोड़ा डर भी रहा है। क्यों दोस्त? अच्छा, ये उसकी माँ है, माँ है या जो भी है वो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा मोर, क्या वाव यार, सफ़ेद मोर मैंने पहली बार देखा, और क्या नज़ारा है। इसने अपने पूरे पंख जो, ये इसको क्या बोलते हैं, पंख को, पंख ही बोलते हैं ना, पंख को एकदम खोल करके एकदम देख रहे हो एकदम, वाव ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। इसमें एक साथ एक 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 मोर और भी है, ये बगल में आप देख रहे हैं इसको, ये भी है। मुझे लग रहा है ये वाला जो काला वाला है वो मोर, तो मोर ही है, मेल है शायद, मेल है वो, फीमेल लग रहा है। इनके भी शायद पंख उतने ही बड़े होंगे। टाइगर, टाइगर भी सोए हुए मिले हैं, कुछ नहीं होगा, 100 रुपये खाली चले गए हमारे। ऊपर से खाली मुर्गियाँ उड़गियाँ पाल रखी है, बस हो गया, अंडे देती है, खुद ही खा लेते हैं वो। इसको भी खुजली होती है। चल चल, हो गया, देना, खोल दे, खोल दे भाई, खोल दे, वाह 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 वाह, मजा आ गया। अभी खोला हुआ था ना, बड़ा मस्त व्यू आया इसका, इतना अच्छा। अपने पंख ही तोड़ दे बेटा, सारी खुजली मिट जाएगी। क्यों? चल, बढ़िया वाला मोर, क्या लग रहा है, पंख खोल देता और भी मजा आ जाता। ₹50 लग रहा है। साले रंग बिरंगी पक्षियां पाल रखी है, ये नहीं कि एनाकोंडा एनाकोंडा पाल लेते हैं। तोते हैं यार, तोते हैं, तोते हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। चलो चल से सर्च कर लो फोन से, और हिरन की साउंड दो एक ही बार, क्या पता आ जाए। ऐसे चूते लोग रोज आएंगे मेरे पास। खाने को दे रहे हो, बताओ। बिस्कुट तो नहीं खाता हूँ। चूहा ले जा, हाथ दे दो अपना भाई साहब। लेग पीस लेगा, लेग पीस लेगा ये। और भी तो अभी ये तो सो रहा है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है बच्ची। राजा ये क्या चला दिया? नहीं आएगा साला, हराम फिर। चल दूसरा वाला भी पता नहीं कहाँ है, तेंदुआ भी पता नहीं कहाँ। आ गया से, साले जंगलों में रहते हैं तो ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं शिकार के लिए। अभी हम यहाँ पे आए हैं तो नहीं आ रहे शिकार के लिए। हमारे भाई देखो भाई, ये हम टाइगर देखने के लिए आए थे और ये साला सोया हुआ है। करीबन हमारे ₹200 वेस्ट गए हैं, और बहुत दिमाग खराब हो रहा है पूरा। और इसके अलावा और कुछ देखने लायक ही नहीं है। मुर्गियाँ पाल रखी हैं और मोर पाल रखे हैं छोटे छोटे, वो क्या देखेंगे। या तो बड़े पाल रखे होते एनाकोंडा एनाकोंडा। ये साला सोया हुआ है, क्या दिखाऊं मैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, पूरा मूड ऑफ हो चुका है, क्योंकि 12 बज गए ना, 12 बज गए, 1 बज गया, और अभी तक हमने, मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं देखा। चलो चलते हैं, ये टिकट वालों से ना पैसे वापस लेते हैं, कहेंगे भाई तुम्हारे शेर तो वहाँ पे टाइगर सोए हैं, सोने के लिए पैसे थोड़े ना दे रखे हैं। दिमाग खराब हो गया यार, कुछ नहीं है, बस एक ही टाइगर है, वो भी साला घोड़े बेच के सो रहा है।